एक एक पीछे वाली लाइन अनवा का दो, सबसे लास्ट वाले जल्दी आओ। अला तिपलाती मार के बैठ जाओ, घुटना बोले रहा होगी यार, घुटना बोल दी लाइन आ ली। फोटो सब क्या आनी चाहिए, दो बेटी और आ जाओ तुम भी। बस बस ठीक है जी, ठीक है थोड़ा गैप दे दो जी, पीछे निचरला को नहीं आऊंगा, ध्यान रखियो फोटो हम कदे ऊपर की टाइट ले लियो ना, दो तीन रह गए पीछे, पीछे दो चेहरा भी कटने ला रहे हैं। बेटी थोड़ी इजी हो जाओ, हाँ बस ले ले भाई, एक अपने नीचे ही और मार ले, एक ऊपर ले ले, दोनों फोटो ले ले, ले मैं जोड़ लूंगा आप इन्हें, दो ग्रुप में ले ले, एक आध दो इस नीचे, हाँ बस आओ जी, बस हो गई होगी, एक मैं रामपाल का करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। देखिए किसी भी गांव के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं होती, लेकिन प्रतिभाओं को सम्मानित करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि उन गांव से और भी प्रतिभाओं को निकालना होता है। सामने तस्वीरों में आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे इस गांव के अंदर बैठे हुए हैं, और फिलहाल मौजूद हूँ मैं ढाणा जोगी के अंदर, जो बाबा महंत केशवनाथ जी महाराज जी यहाँ पे एक आश्रम के अंदर रहते हैं, और उन्होंने यहाँ इस गांव के अंदर लगभग कहना चाहूँगा कई सालों से इस शांति के लिए इस गाँव के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें की हैं, लेकिन आज दिमाग के अंदर पता नहीं क्या चल रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ये हमेशा क्षेत्र आगे रहा है, लेकिन इस गांव के बच्चों को और आगे निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सम्मान समारोह रखा जाए, जिससे ये बच्चे तो करते ही करते हैं, बहुत सारे बच्चे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, उनको भी साथ लाने के लिए ये सम्मान बहुत जरूरी था। इसी गांव का ही नहीं है, लगभग यहाँ लगते 8 गांव का ये प्रतिभा सम्मान समारोह था, जिसमें लगभग सैकड़ों बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो महाराज जी से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, आसपास बच्चों के ये गांव के सभी लोग नजर आ रहे हैं, क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम को करने का? मेरा तो यही था कि इन बच्चों का मान सम्मान किया जाए, तो और बच्चे इनको देख कर बच्चों में प्रतिभाएं तो होती है, निखारने वाला होना चाहिए, बांसने वाला होना चाहिए। इन बच्चों के अंदर कौन कौन से ये बच्चे आगे आए, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद सम्मान के लिए कई बार बच्चों सम्मान करें, तो कैसा सहयोग है गांव का, और आज तो यहाँ पे प्रोग्राम भी किया गया गांव गांव का नहीं पूरे क्षेत्र का, इस क्षेत्र में किसी भी आदमी को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी गांव के सरपंच को, मेयर को, लंबरदार को, मैंने आज तक जो देखा है किसी आदमी मेरे को मना कर दिया, भरपूर सहयोग। और अभी मेरी इच्छा है कि हमारे ये वैसे आश्रम 13 गांव का माना जाता है, तो 5 गांव का 30 जून को ही शहर में भी ऐसा ही प्रोग्राम करने वाले हैं। आपको मैंने बुलाई थी कमेटी, उनको बोला था कि भैया थोड़ा लंबा भी पड़ता था और थोड़ी सी जगह भी शॉर्टेज है आश्रम में, बच्चियाँ कह रही थी कि गर्मी लग रही है, अगर बाबा वाडीनाथ की कृपा रही तो अगली साल उनको घूम ही जाएगा। बच्चों से बातचीत कर लेते हैं, क्या नाम है, कौन सी क्लास में है, टेंथ में आज भी सम्मान मिला है, कैसा महसूस हो रहा है, किस उपलक्ष्य में आपको सम्मान मिला है? मतलब 80% ज़्यादा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड से सम्मान किया गया, वो बच्चे कौन से? Thank you.
नाम आपका? कौन सी क्लास में पोजिशन लिया आप? ट्वेल्थ में। फर्स्ट पोजिशन आप? सेकंड। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी ट्रिपल, यानी कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अरे एक बार ताली बजा दो इन बच्चों के लिए। कि शायद किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल का नाम लेगी, लेकिन इस बच्चे ने सबको चौंकित कर दिया कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आज जिस सम्मान मिला है इसको श्रेय देना चाहेंगे अपने गुरुओं को, बहन जी बैठे जी का गलत है। तो अभी बारहवीं करनी था, क्या डर बिल्कुल। हम आशा करते हैं आप नीट में भी सफल हो और इसी के अंदर महाराज जी बड़ा प्रोग्राम करें जब आप इस कार्यक्रम में। कोई ऐसा कैसा लग रहा है फीलिंग? और कोई कुछ कहना चाहे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? हाँ बेटा, आप कुछ कहना चाहिए? कैसा लगा ये सम्मान पा करके गांव के अंदर? बिल्कुल भाई, ये बात सही है कि जब मेहनत एक गांव में आते हैं उस गांव के ऊपर जब अपना हाथ रख देते हैं तो उस गांव को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने हाथ रख दिया है इन बच्चों के भविष्य के ऊपर। अब इन बच्चों का भविष्य जो है वो मेहनत जिन्हें अपने हाथों में ले लिया है, और किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे को कोई भी जरूरत होगी तो मेहनत पीछे हटने वाले नहीं हमारे। इन बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए, जो पढ़ने के लिए बच्चा प्रेरित होना चाहता है, या कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद पढ़ नहीं पाते, उनके लिए भी आगे पढ़ाने के लिए तैयार। बच्चों एक बार मेहनत के लिए तालियां बजाएं। आप बच्चे जा सकते हैं।